आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मुंगेर एसपी लिपि सिंह को गुप्त सूचना मिली कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हसनगंज ब्रह्मस्थान के पास एक बगीचे में कुछ अपराधियों के द्वारा अपराध की योजना बनाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी सूचना पर मुंगेर एसपी लिपि सिंह ने तुरंत एएसपी हरिशंकर प्रसाद के नेतृत्व में चार थानों के थाना अध्यक्ष के साथ लेकर एक विशेष टीम का गठन किया और बताया गया स्थान पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देशी मास्केट, 5 देशी कट्टा, 3.15 बोर की 13 जिंदा कारतूस एवं छुरा चाकू के साथ पकड़ाए गए। अपराधियों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह सब मिलकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। यह सब अपराधियों का पूर्व से ही डकैती, लूट, हत्या जैसे कई कांडों में इनकी संलिप्तता रही है और यह सब बिहार और झारखंड में भी अपराध कर चुके हैं। यह अपराधी लोग मुंगेर जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और सभी पर दर्जनों से अधिक मामले दर्ज हैं। मुंगेर से धीरज कुमार सिंह के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। जुड़े हुए हैं जिसमें से संगीन अपराध हैं और इसमें पांडा एक है, अजय शाह उर्फ पांडा। ये काफी बड़ा यहाँ पर एक जो बाइक्स को चोरी करना और इसने पूर्व में भी जो है कुछ सुपारी लेकर के भी हत्या की है, जैसे कि कन्फेशन में आया है उसका जो आपराधिक इतिहास उसे देखा गया है। और इसमें इसके अलावा जो है इसमें कुर्रा रवि यादव उर्फ कारू यादव, इस तरीके का इन लोगों का जो मुख्यतः जो है इसमें से तीन गैंग थे, लेकिन मिल करके ये कई घटनाओं को साथ मिल करके अंजाम देते थे। तो ये कासिम बाजार थाना अंतर्गत हसनगंज ब्रह्मस्थान में अपराधियों के जमावाड़े की सूचना थी और ये भी बताया जा रहा था कि काफी हथियार भी उनके पास से बरामद हो सकता है, इसीलिए उसमें एक टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। इसमें एसआईयू के प्रमुख विनय, इंस्पेक्टर विनय, सफिया सराय ओपी थानाध्यक्ष, कासिम बाजार थानाध्यक्ष और वासुदेवपुर ओपी थानाध्यक्ष टीम में शामिल हुए। उनके द्वारा रेड की गई, वहां से 13 आदमियों को गिरफ्तार किया मानी जा रही है। पूर्व अभी कुछ दिन पहले ही सफिया सराय ओपी में भी एक जो है लूट की घटना हुई थी, बाइक और कुछ पैसा लिया गया था, उसको भी रिकवर कर लिया गया है। संदलपुर फायरिंग भी जो कुछ दिन पहले हुई थी टीओपी में, उसको भी इन लोगों ने कन्फेस किया है कि इनके द्वारा किया गया था।